नगर परिषद उचेहरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हथौड़ा एक बार फिर चला। देखते ही देखते उचेहरा मैहर रोड के मुख्य मार्ग में अतिक्रमण कर कई दुकानों का निर्माण कर लेने की जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली, प्रशासन ने अतिक्रमण को जमींदोज करने की रणनीति बना ली थी। उसी को अमली जामा पहनाते तहसील और नगर परिषद के जिम्मेदारों के संयुक्त प्रयास से देखते ही देखते हाल में किया गया सारा अतिक्रमण जेसीबी के पंजों से जमींदोज कर दिया गया। इस दरमियान कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ और मौके पर तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। लेकिन चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म रहा कि इतना बड़ा निर्माण कोई एक दिन में तो नहीं हुआ, आखिर प्रशासन की नजर इतने दिनों तक क्यों नहीं पड़ी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उचेहरा मैहर मुख्य मार्ग में की गई, जिसमें प्रमुख रूप से अजय राज सिंह तहसीलदार उचेहरा, शैलेंद्र प्रताप सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कुछ समय के लिए हालात अनियंत्रित होते नजर आए। बता दें कि अतिक्रमणकारी के द्वारा अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अमले पर पत्थर मारने की कार्रवाई की गई थी। हालांकि कोई गंभीर रूप से हताहत नहीं हुआ, लिहाजा इस मामले में तहसीलदार बाल बाल बच गए। अतिक्रमणकारी पहले से ही छत में पत्थर इकट्ठा किए हुए थे और जैसे ही ये टीम अतिक्रमण हटाने आई, उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अभी भी उचेहरा मैहर मुख्य मार्ग में सरकारी करोड़ों की भूमि पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा बड़े बड़े आलीशान भवन बनवाए गए हैं, जिन पर प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जितने भी मुख्य मार्ग के बगल में अतिक्रमण करके भवन बना लिए गए हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है और तत्काल हटाए जाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बात है ना, चंपा की बात बताते हो, बात है।